क्या यार, मेरे पास फोन भी आने लग गया। मैं इतने उसमें अर्जेंसी मीटिंग में वहाँ बैठा था, गुस्सा भी क्या करो उस पर जो जन्मदिन विश करने, मतलब भाई थैंक यू पर है नहीं आज जो है। साल में से मेरे 15-20 आते हैं जन्मदिन, लग रहा है कि मना ही लूँ। बहुत सारी आइडियाज सर आपकी। हाँ नहीं तो फिर ऐसा लग रहा है कि मना ही लूँ, फिर 15-20 बधाइयाँ आ रही, बधाइयाँ तो दुआएँ तो लेनी चाहिए। और इलेक्शन में और तो कुछ डेटा नहीं चाहिए? डिप्लॉयमेंट का डेटा मिल जाएगा सर, काफ़ी बाकी डिप्लॉयमेंट का बता देंगे, और तो नहीं कुछ बाकी तो कुछ उसमें है भी नहीं ऐसा विशेष। आप लोगों की जो मेन डिप्लॉयमेंट का रहता है सुरक्षा व्यवस्था, डिप्लॉयमेंट रवाना भी हो गई पार्टी, स्पेशल सुरक्षा दिया गया। नहीं स्पेशल सुरक्षा यहाँ पे संवेदनशील इलाके कुछ हैं सर? संवेदनशील है ना, बूथ्स हैं ना, कितने संवेदनशील बूथ्स हैं? बूथ्स हैं 540 के करते रहते हैं बाकी सबसे ज़्यादा सर। क्या ये बल्लेबाज नहीं, दूसरे शहरों में भी है, बड़े शहरों में इंदौर विंदौर में। हाँ मतलब 550 के आसपास है, उतना 550 बल्लेबाज। हाँ यस, बेसिकली क्या था, वल्नरेबल बूथ का क्राइटेरिया होता है। क्राइटेरिया क्या होता है कि इलेक्शन कमीशन का, पिछले इलेक्शन में यदि 80% से अधिक वोटिंग हुई हो या एक कैंडिडेट को 85% से अधिक वोट मिले हों, तो वो अपने आप में वल्नरेबल हो जाता है। उस पर मतलब यार रोल करें सर, कल मेरे ही आ रहा होगा यार, बजी रहा सुबह से वो मैसेज भी लोग करते रहते हैं लगातार शिकायत। सर कल मतदान होना है निकाय चुनाव को लेकर, किस तरीके की व्यवस्थाएं पुलिस की तरफ से कल के लिए की गई? जितने भी मतदान केंद्र हैं नगरीय क्षेत्र में, उसमें सभी पर बल का डिप्लॉयमेंट गाइडलाइंस के अनुसार किया जाता है। साथ ही उसमें से जो संवेदनशील क्षेत्र हैं, बूथ हैं, वहाँ पर जो फोर्स का रिक्वायरमेंट प्लान होता है, उसके हिसाब से वहाँ पे जो है फोर्स का डिप्लॉयमेंट होता है। साथ ही पुलिस की जो थाना मोबाइल रहती हैं, QRTs रहती हैं, मजिस्ट्रेट मोबाइल्स रहती हैं, ये सभी भी प्लान करके पूरे क्षेत्र में डिप्लॉय की जाती हैं। साथ ही रिज़र्व फोर्स रहता है, रिज़र्व फोर्स का भी डिप्लॉयमेंट रहता है, अगर कहीं पर कोई स्थिति उत्पन्न होती है तो वहाँ पर पहुँचाया जा सके। सर कितना बल लगा होगा, कितने संवेदनशील क्षेत्र है भोपाल में, और उनको लेकर क्या व्यवस्था है, कितनी यूनिट्स लगाएंगे सर? जो बूथ हैं टोटल 2000 के ऊपर हैं, और कुल बूथ में से 1/4 लगभग संवेदनशील हैं। इन बूथ्स पर जो संवेदनशील हैं वहाँ पे एक्स्ट्रा फोर्स डिप्लॉयमेंट किया गया है, जिसमें पुलिस जो अधिकारी हैं, साथ में स्पेशल पुलिस ऑफिसर्स हैं, और जो होमगार्ड्स हैं, SAF के जवान हैं, उनको भी डिप्लॉय किया गया है। सामान्य बूथों पर जो है बल का डिप्लॉयमेंट सामान्य है, और जितने भी क्षेत्र हैं, जितने भी सेक्टर्स हैं, वहाँ पे जो है मजिस्ट्रेट मोबाइल, QRT, थाना क्षेत्र की मोबाइल, ये सब भ्रमण पे भी रहते हैं। थाने में कितना बल रहेगा, थाने में क्या जो एफआईआर लिखना है, थाने तो पूरा अगर बल लगा दिए तो थाने तो खाली हो गए, तो ऐसे में कैसे थाने को मैनेज किया जाएगा? थाने में मिनिमम ड्यूटी अधिकारी और जो मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड है वो रखा जाता है। इस व्यवस्था में जो मोबाइल पार्टी थाने की होती है वो भी सहयोग करती है, अगर ऐसा कोई रिपोर्ट होती है या स्थिति बनती है तो जो मोबाइल पार्टी हैं, थाना प्रभारी जिसके इंचार्ज हैं, वो भी थाने पर पहुंचते हैं। वरिष्ठ अधिकारी भी जितने भी हैं, सुपरवाइजरी अधिकारी, उनकी भी मोबाइल पार्टी रहती है मूवमेंट पर, कहीं पर कोई थाने पर स्थिति बनने पर वो भी मदद पर पहुँचती है। सर गांधीनगर में एक हत्या हुई थी युवती की, उसका खुलासा हुआ है, आरोपी पकड़ा गया है, आरोपी ने क्यों उसकी हत्या की और कैसे क्या कहाँ से घटना हुई? ये जो हत्या हुई है महिला की, इसमें जो महिला है उसमें आरोपी जो है उसकी हत्या में देवर ही है उसका, और कुछ विवाद रात्रि में दोनों के मध्य हुआ, ये जानकारी पुलिस को लगी। जब पुलिस को डेड बॉडी मिली थी तो उसका PM कराया गया, PM में स्पष्ट हुआ कि किस के हत्या का कारण क्या है, और उसके पश्चात आइडेंटिफिकेशन के बाद पूछताछ की गई, और पूछताछ में सामने आया है कि रात्रि में जो विवाद हुआ है उसमें ये घटनाक्रम हुआ है।
पुलिस ने आरोपी की तलाश की, आरोपी को गिरफ्तार किया और पूछताछ में पूरा वाक्य सामने आया है कि विवाद होने के पश्चात जो आरोपी है उसके द्वारा हत्या करके एक नाले के स्थान पर जो है डेड बॉडी को फेंक दिया गया था, छुपाने का प्रयास किया गया था। अब वीडियो कैमराज और वो रहते हैं ड्रोन। कल मतदान को लेकर सर क्या पुलिस की जो ड्रोन कैमरे हैं या फिर वीडियोग्राफी किस तरह से इसकी तैयारी की गई? जो संवेदनशील क्षेत्र हैं, विशेषकर जो संवेदनशील मतदान केंद्र हैं, वहाँ पर पुलिस का एक्स्ट्रा डिप्लॉयमेंट रहता है, मोबाइल पार्टीज़ का डिप्लॉयमेंट रहता है, साथ ही कुछ तकनीकी उपकरण भी पुलिस इस्तेमाल करती है। इसमें वीडियो कैमराज हैं, ड्रोन्स हैं और जो फिक्स्ड कैमराज ऑलरेडी पुलिस के कार्य कर रहे हैं, नगर निगम के ITMS प्रोजेक्ट काम कर रहा है, उसके थ्रू भी मॉनिटरिंग पुलिस करती है। जिन क्षेत्रों में अगर अनावश्यक कोई विवाद बन रहा हो या भीड़ एकत्रित हो रही हो, वो लगातार सतत मॉनिटरिंग कंट्रोल रूम से चलती है। साथ ही पुलिस का जो रेडियो सिस्टम है वायरलेस का, उस पर भी जो मैसेजेस रहते हैं या जहां पर घटनाएं रहती हैं वहां पर नज़दीकी मोबाइल को पहुंचाया जाता है। साथ ही डायल 100 और जो थाना मोबाइल है ये भी फंक्शन करती है, उस पर भी अगर कोई शिकायतें प्राप्त होती है तो वहां पुलिस पहुंचती है। ड्रोन पुलिस के पास ही है या फिर कोई किराए से लिए गए हैं? ड्रोन का कुछ ड्रोन पुलिस के पास रहते हैं जो सामान्यतः कानून व्यवस्था की अन्य स्थितियों में भी उपयोग किए जाते हैं। अगर आवश्यकता है अधिक ड्रोन की या एरिया बड़ा है तो पुलिस इनको रेंट पे भी अधिग्रहित करती है और फिर उनका उपयोग करती है। सर चुनाव सर कल है और सर लगातार शराब पार्टी, सर क्या तैयारी कर रखी है? पिछले कुछ समय से लगातार जो सूचनाएं मिल रही हैं जिसमें अगर कोई अवैध रूप से शराब का परिवहन हो रहा है तो उस पर पुलिस रिएक्ट करती है, वहाँ पे छानबीन करती है, पूछताछ करती है और कई जगह पुलिस ने कार्रवाई करके प्रकरण भी बनाए हैं। आज भी जो पुलिस की जितनी भी मोबाइल पार्टीज़ हैं, जितना भी बल है, इस कार्य में रहेगा। जहाँ पर अगर कोई सूचना प्राप्त होती है या कोई अवैध रूप से कोई परिवहन शराब का या अन्य वस्तु का होता है तो उसको पुलिस कार्रवाई करेगी। सर दुकानें सर बंद कर दी गई, इसके बावजूद भी सर शराब आ रही है, सर क्या कारण है? पुलिस किस समस्या से बाहर से आ रही है या भोपाल में? जितने भी क्षेत्र हैं भोपाल नगरी पुलिस के, उनके बॉर्डर पे भी पुलिस ने कैमरों की मदद से, साथ ही बल की मदद से फोर्स डिप्लॉयमेंट किया है। और चूंकि जो अवैध रूप से अगर कोई शराब का परिवहन हो रहा है या वितरण हो रहा है या दुकान बंद होने के बाद भी अगर कोई इस प्रकार से विक्रय हो रहा है तो उस पर पूर्णतः पाबंदी है और अपराध की श्रेणी में ये आता है। पुलिस को निर्देशित किया गया है सभी थाना क्षेत्रों की कि किसी भी प्रकार की अगर ये सूचना आती है तो तत्काल मौके पर पहुंचकर ये कार्रवाई सुनिश्चित किए जाए और ये अगर किसी तरह से भी अवैध अगर वितरण हो रहा है तो उस पर